देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। वही हुआ जिसका था डर। कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। कराची में इंतहाई सख्त लॉकडाउन लगने का इम्कान। लॉकडाउन का फैसला आज या कल किसी भी वक्त हो सकता है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन का इतलाक भी जल्द मुमकिन है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र लॉकडाउन के लिए पुलिस अफसरान से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र कराची में इंतहाई सख्त लॉकडाउन मुतवक्के है, और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि सख्त लॉकडाउन गुज़िश्ता साल के तर्ज का हो सकता है। ज़राए के मुताबिक सीनियर पुलिस अफसरान से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं और फैसले का इतलाक इब्तदाई तौर पर कराची में होगा। ज़राए ने मजीद बताया है कि पुलिस अफसरान ने सीनियर हुक्काम से बजट का मुतालबा करते हुए कहा है कि बजट के बगैर लॉकडाउन पुलिस के लिए कमाई का धंधा बन सकता है। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन में पुलिस को बजट दिया गया था। अब तक 24 पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार होकर शहीद हो चुके हैं। हुकूमत सिंध ने कोरोना ड्यूटीज के दौरान शहीद होने वाले एहलकार के लिए 10 लाख इमदाद का ऐलान किया। ताहम ताहाल किसी भी पुलिस एहलकार के अहले खाना को ये इमदादी रकम नहीं मिल सकी है। वही हुआ जिसका था डर। तिब्बी माहरीन के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान आवाम ने गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इंतहाई बे एहतियाती की है, जिसके बाइस कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ। जब कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है तो हुकूमत सिंध को कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर सख्त इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को आलमी जानलेवा वबा कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। और इस सिलसिले में हज़्बे साबिक आवाम को भी हुकूमत के साथ अपना भरपूर तावुन जारी रखते हुए तिब्बी माहरीन की हिदायत के मुताबिक हर सूरत में कोरोना से बचाव के एहतियात करना होगी। एहतियात से ही रह सकती है महफूज आवाम की जान। देखो पाकिस्तान, समझो पाकिस्तान।